पूरे विश्व में व्याप्त ये कोरोना महामारी, जिससे हिंदुस्तान पूरी तरह प्रभावित है और उत्तर प्रदेश के लाखों लोग जो विभिन्न प्रदेशों में काम करने के लिए, मजदूरी करने के, बिजनेस करने, व्यापार करने के माध्यम से बाहर गए थे, आज वो उन शहरों में, उन प्रदेशों में फंसे हुए हैं। हमने एक सर्वे किया जिसमें एक तारीख 1 मई से लेकर के अब तक ऐसे लोगों का डाटा कलेक्ट करने का काम किया कि जो अन्य शहरों में, अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं। लगभग 1 लाख तक लोग हमारे संपर्क में हैं। मैंने एक फॉर्म बनाया था जिसको लोगों से फिलअप करने के लिए कहा गया और लोगों ने भर भर के लगभग 1 लाख लोग अभी तक हमसे जुड़ चुके हैं। और मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा है कि ऐसे लोग जो विभिन्न शहरों में, विभिन्न प्रांतों में फंसे हुए हैं, उनको अपने प्रदेश में, अपने जनपद में, अपने घर वापसी के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अथक प्रयास है, उन्होंने दिल्ली प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से एक अच्छी शुरुआत की, जिनका अनुसरण देश के अन्य प्रदेशों ने भी किया। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और उन लोगों का डाटा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मेल के माध्यम से और पत्र के माध्यम से भेज रहा हूं। जो लोग हमारे फंसे हुए हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं, विभिन्न जनपदों के लोग हैं, हमारे जनपद, हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, वो सकुशल अपने घर वापस हों, ईश्वर उनको इस महामारी से बचाए, इससे वो संक्रमित ना हों। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं, उनके परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं कि जो लोग फंसे हुए हैं सकुशल अपने घर वापस आए। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है, अनुरोध किया है, गुजारिश किया है कि ऐसे लोगों को जो भी व्यवस्था बन रही है उन प्रदेशों से लाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें और इसमें एक अथक प्रयास सभी लोग मिल करके कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को, पत्रकारों को, जो इस सेवा में लगे हुए हमारे जवान हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों, चाहे पुलिस विभाग के हों, चाहे सफाई के हों, उन लोगों ने जो अपनी पूरा समय और अपने जीवन की ना परवाह करते हुए भी ऐसे लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया है, जिससे आज समूचा हिंदुस्तान इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार है और इसको हिंदुस्तान से भगाने का भी पूरा प्रयास है। मैं उन सबके पर भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को अपने घर वापसी का पूरा प्रबंध किया जाए।